Hello friends, welcome to our channel Shiva Learning. For more updates you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, काफ़ी टाइम बाद मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कुछ टिप्स वाली. काफ़ी दिन से मैं न्यूज़ पर फोकस कर रहा था क्योंकि कुछ इवेंट्स ही ऐसे हो रहे थे, जैसे करेक्शन चल रही थी और किसी चीज़ की लास्ट डेट आ रही थी, तो मैं सारी अभी न्यूज़ अपडेट बना रहा था. बट अभी मैं वापस टिप्स वाली वीडियोज़ पर आया हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स में जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है उसकी तैयारी कैसे करें. लास्ट के कुछ टाइम वाली बात नहीं है कि लास्ट के टाइम पर कैसे करें, बट कुछ इफ़ेक्टिवली, क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं. मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो जीके में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पीसीएम तो पूरे साल वो पढ़ते रहते हैं, सॉरी पीसीबी तो वो सब पढ़ते रहते हैं. तो इसलिए मैं आपको बता दूँ जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करें. तो चलिएगा शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जनरल नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स. तो जनरल नॉलेज दो टाइप्स की होती है, एक होता है करंट अफेयर, दूसरा होता है स्टैटिक जीके. तो मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ, इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं. करंट अफेयर्स रेफर टू द इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस रिसेंटली इन पास्ट ईयर और टू. तो करंट अफेयर्स होते हैं जैसे कुछ भी जो इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे अभी 10% जनरल रिजर्वेशन कोटा आया, ये सब जो रिसेंटली मतलब इवेंट्स होते रहते हैं करंट अफेयर्स में. लाइक जो भी क्रिकेट का चल रहा है, क्रिकेट के उसमें चल रहा है या पॉलिटिक्स में चल रहा है, 10% कोटा आया, ये सब ये सारे करंट उसमें आते हैं. अभी रिसेंटली 26 जनवरी में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स में आती है. दूसरी टाइप की जीके होती है स्टैटिक जीके. ये होती है रेफर्स टू स्टैटिक फैक्ट्स लाइक पीपल प्लेस थिंग्स लाइक सेंसस के बारे में, कुछ मतलब पीपल प्लेस और थिंग्स के बारे में जो भी स्टैटिक जीके होती है वो इसके अंदर आती है. तो हम बताता हूँ अब इन दोनों की तैयारी कैसे करें. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सी टाइप की जीके ज़्यादा आती है एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में. सो एज़ पर एनालाइज ऑफ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम मोर क्वेश्चन आर ऑन करंट अफेयर्स दैन स्टैटिक जीके. तो हमने देखा लास्ट ईयर के पेपर पर कि उसमें करंट अफेयर ज़्यादा थे स्टैटिक जीके से. तो अब हमको क्या करना है, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो हमको ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे. अब करंट अफेयर्स पे और स्टैटिक जीके पे दोनों पे कैसे फोकस करें, तो अब जीके के लिए इन पे कैसे फोकस करना है तो मैं आपको बताता हूँ. ये कुछ चार टिप्स हैं और कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ ये चार टिप्स. रीड एनी, सबसे पहली है रीड एनी न्यूज़पेपर डेली, देन जीके विल बिकम वेरी इजी फॉर यू और यू कैन जस्ट गूगल द लेटेस्ट न्यूज़ आइटम ऑफ पास्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट. आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की आदत डालनी है अभी से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं आपके एग्ज़ाम में. मई 25 और 26 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, तो न्यूज़पेपर पढ़ें, आप करंट अफेयर्स से रूबरू हो पाएंगे, आप करंट अफेयर्स की आपको नॉलेज हो जाएगी काफ़ी अच्छी. देन सेकंड वन है यू कैन आल्सो रीड प्रतियोगिता दर्पण एंड सिमिलर बुक्स. आप प्रतियोगिता दर्पण आती है, आप बुक स्टॉल पर देख सकते हैं, स्टेशनरी में देख सकते हैं, आती है, इसमें सारे करंट अफेयर्स आते रहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. और बाकी मैं कुछ आपको बता दूंगा, यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ आती रहती है इससे रिलेटेड. देन द नेक्स्ट वन इज नो वट हैज़ बिन गोइंग इन द मेडिकल वर्ल्ड. अब आप मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें जीके आती है, तो आपको काफ़ी कुछ मेडिकल के उसमें भी पता होना चाहिए कि मेडिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है. देन नेक्स्ट है नो अबाउट द करंट मेजर पोजिशंस हेल्ड बाई मिनिस्टर्स. और थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चार चीज़ें ऐसी अगर आप इनको कर लेते तो आप जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एम्स के एग्ज़ाम में. तो ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. कुछ इसके मंथ्स में मैं आपको बताता रहूँगा. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चंस आता है आपके माइंड में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस होती है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आपका रिप्लाई करूँगा और आप उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा. तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे कोई अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए. मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.